नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट इंटरव्यू के लिए, बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट विनोद दुआ जी। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे इनकी लाइफ के बारे में, इनकी एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो विनोद जी, मेरा पहला सवाल रहेगा कि आपने आपके करियर में इतने सारे न्यूज़ चैनल रहे थे, आपने उन्हें चेंज करते रहे, किसी में कॉन्स्टेंट टिके नहीं रहे किसी न्यूज़ चैनल में, और अब द वायर में आ गए हैं, तो इसके पीछे क्या डिसीजन था आपका कि बार बार चेंज करते रहना न्यूज़ चैनल्स को? एक तो मुझे ज़्यादा पसंद किया नहीं जाता मैं जहाँ भी काम करता हूँ। अच्छा। और मुझे इसका अफसोस नहीं है। और दूसरे एक अंग्रेजी में बोलते हैं ना, फेयर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, वो बहुत है मुझ में। अच्छा। मैं टिका हूँ सबसे ज़्यादा तो मैं NDTV के साथ टिका हूँ 9 साल के करीब, लेकिन वहाँ पर भी मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया किसी भी चैनल को। अच्छा। मैं इंडिपेंडेंट ही रहा हूँ शुरू से। इंडिपेंडेंट रह के उनके लिए शोज किए आपने? हाँ। अच्छा। तो जहाँ पर मतलब न्यूज़ चैनल्स की बात है, जहाँ तक मेरी अपनी फर्म है जिसने B2B बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं चैनल्स के साथ। अच्छा। तो मैं कभी एम्प्लॉय तो रहा नहीं। हाँ हाँ। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, किसी और चैनल के साथ कर लिया। तो इस ढंग से और शुरू काफ़ी सारे किए, जैसे जी न्यूज़ की शुरुआत मेरे हाथों हुई थी, TV Today की शुरुआत 87 में वो भी मैंने की थी, ठीक है। उसके अलावा सहारा, तो क्योंकि मैं ही था उस वक्त जब ये शुरू हो रहा था टेलीविज़न का सारा ओपनिंग अप, आई वॉज परहैप्स ओनली वन अराउंड, तो इसलिए मौके मुझे ही मिले, कोई और होता तो उसे मिल गए होते। लेकिन छोड़ने का रीज़न क्या था सबके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं? नहीं, एक तो जब जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुए, रिन्यू नहीं हुए तब। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। हाँ। दूसरे जैसे जी का था, जी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 11 मई 1997 को, 10 मई 1997 को रात को जी न्यूज़ शुरू कर दिया था उसी रात। अच्छा। जी इंडिया TV होता था पहले, और वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर को जिस दिन IC 814 के जो यात्री थे वो रिलीज़ हुए, मैंने आखिरी प्रोग्राम किया और फिर मैं नए साल की पार्टी के लिए चला गया। अच्छा। तो टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कभी आपको ऐसा लगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आपने किसी न्यूज़ चैनल को छोड़ा हो क्योंकि उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया? बिल्कुल, पिछले साल हुआ। अच्छा। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया नाम का चैनल है, नवीन जिंदल हैं उनका है। न्यूज़ वर्ल्ड। तो उसमें दखल मुझे किसी का बर्दाश्त नहीं होता, तो वहाँ दखल अंदाजी शुरू हो गई थी। यानी कि आपके कंटेंट में क्या बोलना है वो पीछे से बोल रहे थे? मतलब सवाल करना मुझसे कि आपने ये क्यों कहा। अच्छा। मुझे आदत ही नहीं इसकी। एक साल का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने 4 महीने बाद ख़त्म कर दिया खुद ही। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो द वायर में कैसे आए फिर आप? द वायर इज ब्यूटीफुल प्लेस। बाकी ये सिद्धार्थ वर्धराजन ने ये मुझे कहा कि हिंदी में शुरू करने जा रहे हैं द वायर, तो आप जन की बात करो। उनको बिल्कुल करेंगे। अच्छा। तो कर रहे हैं। तो मैं वायर का उस ढंग से ऑफिशियली मैं हिस्सा नहीं हूँ। मतलब मैं एक कॉन्ट्रीब्यूटर हूँ, कॉन्ट्रीब्यूटिंग से रहे हैं आप। इसमें क्या स्पेशल लगा आपको द वायर में जो और न्यूज़ चैनल्स में नहीं लगा? एक तो ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सोशल मीडिया की पहुंच इतनी ज़्यादा है। अच्छा। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इसका, पहली बात। दूसरी बात, ये इसमें कोई लंबा चौड़ा तामझाम नहीं है। अब जैसे आप और मैं यहाँ बैठे हूँ, मुझे आदत है मतलब बहुत महंगे महंगे सेट्स की, करोड़ों रुपए के सेट्स, मल्टी कैमरा, हाँ, 6-6 कैमराज, 5-5 कैमराज, बड़े बड़े स्टूडियो, सारी उम्र यही करते बीती है। ये मेरा 43वां साल है मीडिया करते हुए, ठीक है ना। आई स्टार्टेड, मेरा पहला प्रोग्राम था 27 नवंबर 1974 को, 1974। तो आई एम यूज टू ऑल द बिग सेट्स एंड बिग स्टूडियोज एक्सेट्रा, ये इतना लाइफ लाइक है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये आपने देखा होगा, बहुत कैजुअल सा है। कैजुअल के अलावा जनगणमन की बात में एक पानी की बोतल पीछे शुरू से पड़ी हुई है, तो रियल लाइफ स्टडी जैसे होती है ना, वो ऐसे है। अच्छा। आप एक टाइम पे फूड जर्नलिस्ट भी बने थे, तो वो क्या चैनल ने आपको सजेस्ट किया था या आपका खुद ही फूड में इंटरेस्ट जागा था? मैं आपको बताता हूँ, एक तो मैं फूड जर्नलिस्ट नहीं था, मैं ना ही फूड एक्सपर्ट हूँ, मैं फूडी ज़रूर हूँ, अच्छा खाना मुझे खाना पसंद है। ये सजेशन जो आइडिया था, ये चैनल की एक प्रोड्यूसर थी मोनिका नरूला, ये आइडिया उनसे आया था। अच्छा। उनका आइडिया था ये। और दूसरे, मेरा ताल्लुक ना मोहल्ले से है, सड़क से है, आई एम ए पीपल्स पर्सन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। एक आम आदमी की तरह। हाँ। तीसरे,
जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं अगर कोई हो वहाँ तो, या रिश्तेदार अगर हो उनसे मिलते हैं, शहर देखते हैं जो लैंडमार्क्स हैं, और बढ़िया जगह पे खाना खाते हैं। हाँ, तो बस मैं यही करता था, मैं यही करता था, किसी भी शहर में पहुँच के उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। अच्छा। और फिर अच्छी अच्छी जगह जो है जिसकी रिसर्च हम पहले कर लेते थे वहाँ पहुँच के शूट कर लिया, और कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी, सारा एक्सटेम्पोरे होता था। अच्छा। और इट वॉज माई फन प्रोग्राम। तो अभी जो आप जन गण मन की बात करते हैं उसमें कंटेंट सिलेक्शन कैसे होती है, जो आप न्यूज़ पढ़ते हैं? कंटेंट सिलेक्शन ऐसे होती है कि मेरे जो कलीग हैं यहाँ पर अखिल, अखिल और मेरी बात होती है दिन में करीब 1 बजे के, आज किस पे करें। अच्छा। अमूमन क्या, मुझे नहीं लगता कि कभी भी हम में कोई वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए कि ये नहीं ये करना है। अच्छा। तो जैसे कोई जनरल कैटेगरी, मतलब कि सिर्फ ऐसी टाइप की न्यूज़ पे ही हम करेंगे? देखिए, एक तो जो माहौल है जहाँ सारे न्यूज़ चैनल्स और ज़्यादातर मीडिया सरकारी और दरबारी हो चुका है, झुका हुआ है, तो इतना तो ये तो गिवन है, नॉन नेगोशिएबल है कि हम वी विल बी क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, अच्छा। ये तो मान कर चलते हैं। जब एक दफ़े ये तय हो गया कि ये जो ये मीडिया का काम है क्रिटिकल होना, जो इस वक्त नहीं कर रहा है कोई भी, सब सरकारी हुए पड़े हैं, दरबारी हुए पड़े हैं, तो हम हमारा ये तो फैसला होता ही है, अजम्पशन है ये, तो हम मान कर चलते हैं कि हमें वी हैव टू बी क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स द रोल ऑफ मीडिया। उसको जहन में रखते हुए फिर जो भी हैपनिंग्स होती हैं, कभी हम उस पर से टॉपिक ले लेते हैं, जैसे अभी ये रिपोर्ट आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कि जितना कैश नोटबंदी से पहले था सर्कुलेशन में लगभग उतना ही वापस आ गया, तो हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है ना, तो अब इस पर करेंगे हम, मैंने भी ये सोचा हुआ था। अच्छा। तो इस ढंग से हम टॉपिक कर लेते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जो न्यूज़ में ज़्यादातर नहीं दिखाते न्यूज़ चैनल्स, उस पर फोकस करते हैं? उस पर भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हमारा फ़र्ज बनता है। तो ठीक है, तो आज के टाइम पे जो देश में हालत है काफ़ी अच्छे नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशंस को एक से एक करके क्या कह सकते हो आप, अटैक किया जा रहा है उन पर, हाईजैक किया जा रहा है। आपकी इतने लंबे एक्सपीरियंस रहा है, आप इंदिरा गांधी के टाइम पर भी थे, तो उसको इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उससे भी बेकार हालत है इस टाइम पर या? मुझे तो वैसी हालत लगती है, सन 77 वाली हालत लगती है, सन 76-77 वाली, बल्कि उससे ज़्यादा ही, मतलब ज़्यादा ही ख़राब इसलिए लगती है क्योंकि जब मिसेस गांधी थी, इंदिरा गांधी थी, उनके साथ एक कोटरी थी सिर्फ। अच्छा। गिने चुने कुछ लोग थे। इस वक्त बिल्कुल प्लान्ड तरीके से एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अपनी विचारधारा है, जिसका अपना तसव्वुर है कि भारत क्या हो। अच्छा। ये पूरा संगठन लगा हुआ है इस वक्त तो साथ में, तो उस लिहाज से ये समय ज़्यादा ख़राब है सन 70 के मामले में, लेकिन हालात कमोबेश वैसे ही हैं। अच्छा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है कि फ्यूचर में कभी ऐसा इस पॉइंट पे ना पहुँचे हमारा कंट्री, हम भारत? भाई देखिए, हम तो ये मानते हैं कि अगर आप एक लोकशाही हैं, डेमोक्रेसी हैं, तो उसके लिए काबिल जो नागरिक होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। वी नीड केपेबल सिटीजनरी फॉर डेमोक्रेसी, जो हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा। लोग बह जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, कोई भी मजमा लगाकर प्रोपेगेंडा से, किसी चीज़ को मतलब बातों में बहला फुसला के अपनी बात मना ले, रो दे, कभी हंस दे, कभी गा दे, कभी धमकी दे दे, मतलब एक मजमा फरोश की तरह हैं। अगर आप एक रैली कर रहे हैं और लोग बातों में आ जाते हैं। अच्छा। तो सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि डेमोक्रेसी के लिए जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो भी काबिल हों। अच्छा। तो और वो तालीम से काबिल होते हैं। उस जो हमारे भी ऐसे ही हुआ करता था, जो गवर्नमेंट थी वो भी प्रोपेगेंडा फैलाती थी, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती थी। हाँ, मुझे याद है नारे उस वक्त होते थे, बसों पर लगे होते थे, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा। जो अच्छे दिन आने वाला, जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ। तो इमरजेंसी के दौरान ये नारा होता था, बसों पे लिखा होता था, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा। अब यहाँ अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हालात मुझे वैसे ही लगते हैं, लेकिन एक बात थी, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अंदर ही अंदर जो जनमानस है उसने अपना मन बना लिया है कि अगर जब भी इलेक्शन होंगे इनको बाहर करना, मिसेज इंदिरा गांधी और कांग्रेस को, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि विकल्प क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कि जनता पार्टी भी एक बन सकती है सारी पार्टियां मिलकर। अच्छा। तो विकल्प निकलते हैं डेमोक्रेसी में ही निकलते हैं अल्टरनेटिव्स। उन्होंने भी नेशनलिज्म को इसी ढंग से यूज़ किया, रिलीजन क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उस टाइम पर शायद नहीं था, मुझे लगता है उस टाइम इस टाइम रिलीजन का भी एक नया एंगल आ गया। बिल्कुल।
आप पे कभी कोई ऊपर से प्रेशर आता हो जब से आपने द वायर में काम करना शुरू किया है? एक फिल्म आई थी जाने भी दो यारो, उसमें एक डायलॉग है ओमपुरी का, मरहूम ओमपुरी का, युधिष्ठिर उनको डांटते हैं भीम अपने बड़े भाई की बात नहीं मानते, तो वो कहते हैं बाप बात तो हमने अपने बाप की नहीं मानी, तुम चीज़ क्या हो, तो प्रेशर किसका? लेकिन कोई ऑर्गेनाइज अटैक कभी आप पे किया हो, कोई ट्रोल आर्मी ने? हाँ, ट्रोल आर्मी तो करती रहती है, ऑनलाइन होता रहता है, लेकिन ऑफलाइन कुछ हुआ हो कभी? नहीं, ऑफलाइन मैं मुंह नहीं लगाता हूँ। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद दुआ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, मैं आपके वीडियोज़ देखता रहता हूँ। थैंक यू।